तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर 34 रन पर एक विकेट गिरी है 9 ओवर 2 गेंदों के ऊपर, जहाँ पर अगर इस वक्त देखा जाए तो जिम्बाब्वे की टीम को 262 रन अभी भी चाहिए। जिम्बाब्वे की इनिंग की बात की जाए तो 34 रन बनाए, जिसमें यहाँ पर गंभीर जो है 215 रन बना करके इसके ऊपर मौजूद हैं, और मरोमानी आज 2 गेंदों के बाद 4 रन बनाकर आउट हुए हैं। क्रेग अरविंद की बात करें तो 200 उन्होंने 28 गेंदों के बाद 14 रन की बल्लेबाजी की इस वक्त मौजूद हैं इस मुकाबले के अंदर। उसके बाद मोहम्मद अली 5 ओवर्स के अंदर 12 देकर कोई विकेट नहीं, शाहनवाज दानी 4 ओवर्स के अंदर 21 देकर 1 विकेट। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हुरेरा ने 27 बॉल्स के ऊपर 17 बनाए थे। हसीबुल्ला ने 33 गेंदों के ऊपर 22 बनाए थे। उमेर यूसुफ जे 200 उन्होंने आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली और 126 रन की शानदार पारी उनकी जानिब से हमें देखने को, 126 गेंदों के ऊपर 153 रन की पारी, 4 छक्के और 14 चौके लगे। अब्दुल बंगलाजाई ने 2 गेंदों का कोई रन नहीं, कामरान गुलाम ने 55 बनाए। उसके बाद तलत 5 रन बनाकर आउट हुए, मुबशर खान 0 पर आउट हुए, कासिम अकरम 16 रन, उसके बाद आमिर जमाल ने 0 पर आउट हुए, उसके बाद मोहम्मद अली जे 203 रन और दानी ने 8 रन बनाए। उसके बाद पाकिस्तान की पहली विकेट 29 पर गिरी, सेकंड विकेट 54, थर्ड विकेट 55, चौथी विकेट 194, पांच विकेट 220 और छठी विकेट 225 और सात विकेट 283 और आठवीं विकेट 283 और नौवीं विकेट 284 पर गिरी। उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो नौची ने 10 ओवर्स के अंदर 67 एक विकेट हासिल की। उसके बाद मजबानी ने 10 ओवर्स के अंदर 51 कोई विकेट नहीं, ब्रांड एविंस ने 10 ओवर के अंदर 62 देकर 5 विकेट, रैन बल्स ने 4 ओवर के अंदर 28 देकर कोई विकेट नहीं, मसकाजा ने 10 ओवर के अंदर 45 2 विकेट, उसके बाद मेल्टन ने 3 ओवर के अंदर 20 देकर कोई विकेट नहीं, मैट एवर ने 3 ओवर के अंदर 15 देकर कोई विकेट नहीं। तो 295 का टारगेट जो है 200 यहां पर दिया गया है इस मुकाबले के अंदर, 295 रन का ये टारगेट जो है 200 यहां पर इस टीम को यहां पर चेस करना पड़ेगा इस मुकाबले के अंदर। यहां पर 34 रन पर एक विकेट गिरी है 9 ओवर 2 गेंदों के ऊपर, जहां पर अगर इस वक्त देखा जाए तो जिम्बाब्वे की टीम को 262 रन अभी भी चाहिए। जिम्बाब्वे की इनिंग की बात की जाए तो 34 रन बनाए, जिसमें यहाँ पर गंभीर जो है 215 रन बना करके इसके ऊपर मौजूद हैं, और मरोमानी आज 2 गेंदों के बाद 4 रन बनाकर आउट हुए हैं। क्रेग अरविंद की बात करें तो 200 उन्होंने 28 गेंदों के बाद 14 रन की बल्लेबाजी की इस वक्त मौजूद हैं इस मुकाबले के अंदर। उसके बाद मोहम्मद अली 5 ओवर्स के अंदर 12 देकर कोई विकेट नहीं, शाहनवाज दानी 4 ओवर्स के अंदर 21 देकर 1 विकेट। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हुरेरा ने 27 बॉल्स के ऊपर 17 बनाए थे। हसीबुल्ला ने 33 गेंदों के ऊपर 22 बनाए थे। उमेर यूसुफ जे 200 उन्होंने आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली और 126 रन की शानदार पारी उनकी जानिब से हमें देखने को, 126 गेंदों के ऊपर 153 रन की पारी, 4 छक्के और 14 चौके लगे। अब्दुल बंगलाजाई ने 2 गेंदों का कोई रन नहीं, कामरान गुलाम ने 55 बनाए। उसके बाद तलत 5 रन बनाकर आउट हुए, मुबशर खान 0 पर आउट हुए, कासिम अकरम 16 रन, उसके बाद आमिर जमाल ने 0 पर आउट हुए, उसके बाद मोहम्मद अली जे 203 रन और दानी ने 8 रन बनाए। उसके बाद पाकिस्तान की पहली विकेट 29 पर गिरी, सेकंड विकेट 54, थर्ड विकेट 55, चौथी विकेट 194, पांच विकेट 220 और छठी विकेट 225 और सात विकेट 283 और आठवीं विकेट 283 और नौवीं विकेट 284 पर गिरी। उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो नौची ने 10 ओवर्स के अंदर 67 एक विकेट हासिल की। उसके बाद मजबानी ने 10 ओवर्स के अंदर 51 कोई विकेट नहीं, ब्रांड एविंस ने 10 ओवर के अंदर 62 देकर 5 विकेट, रैन बल्स ने 4 ओवर के अंदर 28 देकर कोई विकेट नहीं, मसकाजा ने 10 ओवर के अंदर 45 2 विकेट, उसके बाद मेल्टन ने 3 ओवर के अंदर 20 देकर कोई विकेट नहीं, मैट एवर ने 3 ओवर के अंदर 15 देकर कोई विकेट। फिलहाल यहां पर 34 रन पर एक विकेट गिरी है 9 ओवर 2 गेंदों के ऊपर, जहां पर अगर इस वक्त देखा जाए तो जिम्बाब्वे की टीम को 262 रन अभी भी चाहिए। जिम्बाब्वे की इनिंग की बात की जाए तो 34 रन बनाए, जिसमें यहां पर गंभीर जो 215 रन बना करके इसके ऊपर मौजूद, और मरोमानी आज 2 गेंदों के बाद 4 रन बनाकर आउट हुए हैं। क्रेग अरविंद की बात करें तो 200 उन्होंने 28 गेंदों के बाद 14 रन की बल्लेबाजी की इस वक्त मौजूद हैं इस मुकाबले के अंदर। उसके बाद मोहम्मद अली 5 ओवर्स के अंदर 12 देकर कोई विकेट नहीं, शाहनवाज दानी 4 ओवर्स के अंदर 21 देकर 1 विकेट। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हुरेरा ने 27 बॉल्स के ऊपर 17 बनाए थे। हसीबुल्ला ने 33 गेंदों के ऊपर 22 बनाए थे। उमेर यूसुफ जे 200 उन्होंने आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली और 126 रन की शानदार पारी उनकी जानिब से हमें देखने को, 126 गेंदों के ऊपर 153 रन की पारी, 4 छक्के और 14 चौके लगे। अब्दुल बंगलाजाई ने 2 गेंदों का कोई रन नहीं, कामरान गुलाम ने 55 बनाए। उसके बाद तलत 5 रन बनाकर आउट हुए, मुबशर खान 0 पर आउट हुए, कासिम अकरम 16 रन,
उसके बाद आमिर जमाल ने सिफर पर आउट हुए, उसके बाद मोहम्मद अली जे 203 रन और दानी ने 8 रन बनाए। उसके बाद पाकिस्तान की पहली विकेट 29 पर गिरी, सेकेंड विकेट 54, थर्ड विकेट 55, चौथी विकेट 194, पाँच विकेट 220 और छठी विकेट 225 और सात विकेट 283 और आठवीं विकेट 283 और नौवीं विकेट 284 पर गिरी। उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो नौची ने 10 ओवर्स के अंदर 67 एक विकेट हासिल की। उसके बाद मजबानी ने 10 ओवर्स के अंदर 51 कोई विकेट नहीं। ब्रांड एविंस ने 10 ओवर के अंदर 62 देकर 5 विकेट। रैन बल्स ने 4 ओवर के अंदर 28 देकर कोई विकेट नहीं। मसकाजा ने 10 ओवर के अंदर 45 दो विकेट। उसके बाद मेल्टन ने 3 ओवर के अंदर 20 देकर कोई विकेट नहीं। मैट एवर ने 3 ओवर के अंदर 15 देकर कोई विकेट। फिलहाल यहाँ पर 34 रन पर एक विकेट गिरी है 9 ओवर दो गेंदों के ऊपर। जहाँ पर अगर इस वक्त देखा जाए तो जिम्बाब्वे की टीम को 262 रन अभी भी चाहिए। जिम्बाब्वे की इनिंग की बात की जाए तो 34 रन बनाए, जिसमें यहाँ पर गंभीर जो 215 रन बना करके इसके ऊपर मौजूद हैं और मरोमानी आज दो गेंदों के बाद 4 रन बनाकर आउट हुए हैं। क्रेग अरविंस की बात करें तो 200 उन्होंने 28 गेंदों के बाद 14 रन की बल्लेबाजी की इस वक्त मौजूद हैं इस मुकाबले के अंदर। उसके बाद मोहम्मद अली 5 ओवर्स के अंदर 12 देकर कोई विकेट नहीं। शाहनवाज दानी 4 ओवर्स के अंदर 21 देकर एक विकेट। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद होरेरा ने 27 बॉल्स के ऊपर 17 बनाए थे। हसीबुल्ला ने 33 गेंदों के ऊपर 22 बनाए थे। उमेर यूसुफ जे 200 उन्होंने आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली और 126 रन की शानदार पारी उनकी जानिब से हमें देखने को 126 गेंदों के ऊपर 153 रन की पारी, 4 छक्के और 14 चौके लगे। अब्दुल बंगलाजाई ने 2 गेंदों का कोई रन नहीं। कामरान गुलाम ने 55 बनाए। उसके बाद तलत 5 रन बनाकर आउट हुए। मुबशर खान 0 पर आउट हुए। कासिम अक्रम 16 रन। उसके बाद आमिर जमाल ने 0 पर आउट हुए। उसके बाद मोहम्मद अली जे 203 रन और दानी ने 8 रन बनाए। उसके बाद पाकिस्तान की पहली विकेट 29 पर गिरी, सेकंड विकेट 54, थर्ड विकेट 55, चौथी विकेट 194, पांच विकेट 220 और छठी विकेट 225 और सात विकेट 283 और आठवीं विकेट 283 और नौवीं विकेट 284 पर गिरी। उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो नौची ने 10 ओवर्स के अंदर 67 एक विकेट हासिल की। उसके बाद मजबानी ने 10 ओवर्स के अंदर 51 कोई विकेट नहीं। ब्रांड एविंस ने 10 ओवर के अंदर 62 देकर 5 विकेट। रैन बल्स ने 4 ओवर के अंदर 28 देकर कोई विकेट नहीं। मसकाजा ने 10 ओवर के अंदर 45 दो विकेट। उसके बाद मेल्टन ने 3 ओवर के अंदर 20 देकर कोई विकेट नहीं। मैट एवर ने 3 ओवर के अंदर 15 देकर कोई विकेट। फिलहाल यहाँ पर 34 रन पर एक विकेट गिरी है 9 ओवर दो गेंदों के ऊपर। जहाँ पर अगर इस वक्त देखा जाए तो जिम्बाब्वे की टीम को 262 रन अभी भी चाहिए। जिम्बाब्वे की इनिंग की बात की जाए तो 34 रन बनाए, जिसमें यहाँ पर गंभीर जो 215 रन बना करके इसके ऊपर मौजूद और मरोमानी आज दो गेंदों के बाद 4 रन बनाकर आउट हुए हैं। क्रेग अरविंस की बात करें तो 200 उन्होंने 28 गेंदों के बाद 14 रन की बल्लेबाजी की इस वक्त मौजूद हैं इस मुकाबले के अंदर। उसके बाद मोहम्मद अली 5 ओवर्स के अंदर 12 देकर कोई विकेट नहीं। शाहनवाज दानी 4 ओवर्स के अंदर 21 देकर एक विकेट। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद होरेरा